नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैरेक्टर के हेड को मॉडलिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, हमारी लाइव क्लास अर्थात डिस्प्ले टू डिस्प्ले वाला क्लास शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसके जरिए आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें होता है क्या है कि हमारा कंप्यूटर और आपका कंप्यूटर दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, अर्थात एक ही डिस्प्ले हमें भी दिखाई देता है और आपको भी दिखाई देता है, और वहां से हम स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करते हैं। जिसमें माया है, प्रीमियर प्रो, जो कि नीचे एक इमेज अभी चल रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि कौन कौन से क्लास कितने कितने कीमत पर उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन YouTube पर भी हमारे वीडियो आते रहेंगे और आप सीखिए। YouTube से सीखना है तो फ्री में सीखिए, लेकिन अगर क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो वहां आपको बहुत कुछ एडवांस सिखाया जाएगा, जैसे कि ऑडियो सिंक्रोनाइज, ओके, रिगिंग का फुल ट्यूटोरियल वहां पर आएंगे, और यहां पर रिगिंग और एनिमेशन का शायद हम नहीं डालने वाले, ठीक है, उसका फाइनल आउटपुट ही आएगा। इसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर भी लिए हैं, ठीक है। तो चलिए माया स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है माया 2020, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यह माया ओपन हो चुका है। दोस्तों, किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए उसका रिफरेंस इमेज हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास रिफरेंस इमेज कहां पर है। तो मैंने टुडे के अंदर सेव कर रखा है, तो यहां मैंने क्लिक किया दिस पीसी के ऊपर, यहां मैंने टुडे के अंदर यहां पर जो है कैरेक्टर को रखा हुआ, ये ऊपर ये यहां पर आप देख पाएंगे ये जो है कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसकी कटिंग करनी होती है, तो हम इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ पेंट के ऊपर हम चले जाएंगे, ओपन विथ पे क्लिक करेंगे और यहां से पेंट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने पेंट के ऊपर क्लिक किया, ये हमारा जो है कैरेक्टर पेंट के ऊपर आ चुका है। दोस्तों, इमेज ओपन होने के बाद हमारा अगला काम है इसके ऊपर लाइन को ड्रॉ करना और ये चेक करना कि ये इमेज एक्यूरेट है या नहीं है। गूगल के ऊपर बहुत सारे इमेज गलत होते हैं, अर्थात वो जो है ना ऊपर नीचे उसका कोई साइज बड़ा रहता है, कोई साइज छोटा रहता है, तो वहां पर हम कितनी भी मॉडलिंग कर ले हम मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहां पर लाइन के ऊपर क्लिक करना है। लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई भी हमें एक कलर ले लेना है, यहां से थिकनेस ले लेना है, थिकनेस पतला ही रखता हूं, ये वाला कलर है, और यहां से मैं रेड कलर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये जो है मैंने रेड कलर ले लिया, रेड आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर शिफ्ट का बटन दबा देना है, उसके बाद यहां से क्लिक करके ड्रैग कर लेना, ठीक है। देखिए, शिफ्ट का बटन दबाकर हमने ड्रैग किया, एक लाइन हमने यहां बना लिया। अब दूसरी लाइन में हमें ये चेक करना है कि ये इमेज सही है या नहीं है, अर्थात ये जो आंख है ना, आंख के सामने ये वाला भी आंख होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इस आंख के मैंने बीच में क्लिक किया, यहां से एकदम बीच में क्लिक किया, ओके, और यहां से मैं शिफ्ट का बटन दबाया, उसके बाद मैं क्लिक किया और ड्रैग किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंख और इसका आंख दोनों जो है एक जगह पर है, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा ताकि इमेज गलत ना हो और मॉडलिंग आपका सही तरीके से हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए, इसका ओट टू ओट भी हम चेक कर लेते हैं, तो मैं यहीं से क्लिक करूं थोड़ा साइड से, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ओट से ओट भी एक्यूरेट मिल रहा है, अर्थात लिप से लिप भी मिल रहा है, अर्थात ये इमेज जो है एक्यूरेट सही है, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, अब हमें क्रॉप करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, रेक्टेंगुलर के ऊपर क्लिक किया और यहां से मैं क्रॉप कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहां से जो मेरे को जितना चाहिए उतना ही लूंगा, तो मैंने इतना क्रॉप किया, सॉरी कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, ओके, मैंने इतना किया और फिर से मैं कटिंग करूंगा, क्लिक, ओके, इतना हमने ले लिया, थोड़ा साइड से है, कोई बात नहीं, चलेगा इतना तो, ओके, और नहीं तो आप फिर से ले लीजिए, कंट्रोल जेड किया, थोड़ा इधर ले लेते हैं, हल्का सा मैंने इधर लिया, उसके बाद ड्रैग कर लिया, इतना हो गया। उसके बाद हमें क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, और इसके बाद इसको सेव करना है, तो मैंने फाइल के ऊपर क्लिक किया और सेव एज जेपीजी, ओके, आपको सेव अभी कहीं भी कर लीजिए, बाद में हमको क्या इसको एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से डेस्कटॉप के ऊपर ही क्लिक कर देता हूं, डेस्कटॉप पे कई सारे हमारे पड़े हैं, तो कोई बात नहीं, इसका भी नाम लिख देते हैं, ठीक है, जी लिख देता हूं, जी से जी जी मैंने लिख दिया, जी जी फॉन्ट लिख देता हूं, सॉरी ये साइड है एस आई डी, ओके, हमने जी जी साइड लिख दिया, ठीक है, कंट्रोल जेड किया और इस बार हम इसे क्रॉप करेंगे, ओके, तो मैं क्रॉप टूल पे धोई इसके ऊपर, ओके, और यहां से मैं ड्रैग करके इसे भी यहां से काट लेता हूं, ओके, और उसके बाद क्रॉप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, फिर से इसे भी करेंगे, फाइल सेव एज, ओके, जेपीजी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ओके, तो जेपीजी हमने किया, जेपीजी क्लिक करने के बाद ये वाला हमारा यहां सेव है, इसमें भी हम जी जी साइड है, तो यहां पर डाल देते हैं फॉन्ट, ओके, तो मैंने यहां पर डाल दिया फॉन्ट, अब यहां से मैं सेव कर लेता हूं, तो मैंने सेव कर लिया, ओके, अब यहां का काम हमारा पूरा हो गया, मैं यहां से कट कर देता हूं, यहां से भी कट कर देता हूं, ठीक है। माया में जंप कर जाता हूं, तो मैं माया में आ चुका हूं। यहां पर क्या है दोस्तों, हमको फाइल सेटिंग करनी होती है, अर्थात प्रोजेक्ट फाइल सेटिंग करनी पड़ती है, उस सेटिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा कैरेक्टर बनेगा ही नहीं, ठीक है। यहां से फाइल के ऊपर हमने क्लिक किया, ओपन प्रोजेक्ट के ओपन विंडो के ऊपर हमने क्लिक किया,
ठीक है। और यहां से मैं इसका लोकेशन बता देता हूं कि ये जो सेव होगा सारा सारा कहां पर होने वाला है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, माय कंप्यूटर ई के अंदर आया और यहां से मैं एक नया फोल्डर बना सकता हूं या फिर दूसरे में ही कर सकता हूं। तो मैं नया फोल्डर ही बना लेता हूं, तो मैंने न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, ये फोल्डर बन चुका है। इसका नाम रख देता हूं मैं जीजी, ओके, मैंने जीजी लिखा, जीजी एच यू एम ए एन, ओके, जीजी ह्यूमन लिख दिया, ओके, और यहां से लिख देता हूं ओके, लिख देता हूं ओके कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये रख दिया, लिखने के बाद यहां पर आया और ये आ चुका है, यहां से मैं सेलेक्ट कर दूंगा, अर्थात ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। दोस्तों हमने प्रोजेक्ट फाइल को बना लिया है, अब जो हमारा अगला काम है वो है जो हमने फाइल बनाए हैं दो, उन दोनों को कॉपी करके, मैंने कॉपी कर लिया दोनों, कंट्रोल सी किया, और जो हमने फाइल बनाए हैं जीजी के नाम से उसी में इसको सेव करना, जीजी ह्यूमन, ओके, हमने ये वाला बनाया था, ओके, मैंने इसको ओपन किया और यहां सोर्स इमेज को ओपन कर लिया और यहीं पे मैं उसको पेस्ट कर दिया, ओके। तो दोनों जीजी फॉन्ट जीजी साइड आ गया, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर देता हूं, ओके। उसके बाद मैं आ गया हूं यहां पर माया में। दोस्तों यहां पर अभी आपको देखिए तो एक व्यू दिख रहा है, स्पेस बार दबाओ तो चार व्यू दिख रहा है, लेकिन जब हम किसी गाड़ी को मॉडलिंग करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे व्यू की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहां तो हम कैरेक्टर मॉडलिंग कर रहे हैं, ओके, कैरेक्टर में तो हमें साइड से देखना है और फ्रंट से देखना है, बाकी व्यू की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम व्यू पोर्ट को अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। इसके लिए यहां पर एक चार दिख रहे होंगे आपको व्यू पोर्ट का आइकॉन, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहां से कोई भी ले लेना है, तीन व्यू लेना है, थ्री प्लस स्प्लिट, ओके, लेफ्ट कर देना है आपको, टॉप नहीं करना, लेफ्ट करना है। जैसे मैंने लेफ्ट किया तो ये तीन व्यू में बदल चुका है, ओके। और यहां से हमें व्यू पोर्ट चेंज कर लेना, तो मैंने स्पेस बार दबाया और यहां से मैं कर देता हूं फ्रंट व्यू, ओके, मैंने फ्रंट किया और ये वाला साइड है, नहीं अगर साइड ना हो आपका तो यहां पैनल के ऊपर क्लिक करके ऑर्थोग्राफिक के ऊपर जाने के बाद यहां से आप जो है साइड वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम जो है हमारा कंप्लीट रूप से हो चुका है। दोस्तों लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए ना, एक एक चीज में इतनी बारीकी से बताता हूं ना कि गजब की ऑप्शन में बताता हूं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा दिवस सीखिएगा तो आपको 60,000 लगेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ माया 5,000 में सिखा रहा हूं। तो आप जल्दी ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद जो मैं अभी मैं बता रहा हूं ना, इतने अच्छा तरीके से बताऊंगा कि क्या मानते हो आप, एक वीडियो डेमो क्लास तो करके देखो आप, ओके। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, व्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहां से इमेज प्लेन के ऊपर क्लिक करना है और यहां से इंपोर्ट इमेज कर लेना है, ठीक है। ये कौन सा है, फ्रंट है, मुझे फ्रंट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से ओपन कर देना है, ओके, हमारा ये ओपन हो चुका है। उसके बाद ये वाला साइड है तो यहां पर भी व्यू के ऊपर क्लिक करना, ओके, सॉरी यहां पर देखिए जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो कभी कभी इस प्रकार से हो जाते हैं, तो माया के ऊपर आना है या फिर ऑर्थोग्राफी के ऊपर आना है, पेन के ऊपर ऑर्थोग्राफी के ऊपर, यहां से साइड कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्यार से यहां पर क्लिक करना है, क्लिक किया, इमेज, इंपोर्ट इमेज, ओके, और यहां से साइड, ये दोनों ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, ओके, मैंने साइड के ऊपर क्लिक किया और यहां से ओपन कर दिया, तो साइड वाला यहां पर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका साइज हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि काफी छोटा है, आप चाहे तो बड़ा कर भी सकते हैं या नहीं तो नहीं भी कर सकते थे, ठीक है। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, मैंने बीच में दबाया और इसको जो है मैंने इतना बड़ा कर लिया ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो, मैंने इतना बड़ा कर लिया, ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी हमारा बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट तो किया ही हूं, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ग्रिड से ऊपर लेकर आ जाऊंगा, ओके, मैंने ग्रिड से ऊपर लेकर आ गया, देख लीजिए आप, ग्रिड से ऊपर लेकर आ गया। उसके बाद जो हमारा अगला काम है वो है इसको चेक करना कि हमारा जो इमेज है एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको पकड़ करके एक को पकड़ूंगा, अभी दोनों पकड़ा हुआ है तो मैंने एक को पकड़ा और इसको साइड में लेकर आ गया, ठीक है। देखिए मैंने साइड में लाया और ये फ्रंट वाले हैं, ओके, ये वाला साइड वाला, ये देखिए साइड वाला है ये, तो मैं इसको भी यहां पर एडजस्टमेंट कर लिया, देखिए मैंने इस प्रकार से यहां पर इमेज रख लिया है। ये सब चीज आपको पता होगा, हम क्या करेंगे कुछ ज्यादा ही साइड में रख देंगे, ओके, मैंने इसको भी ज्यादा साइड में रख दिया और इसको भी हम कुछ ज्यादा ही साइड में रख देंगे, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को काफी दूर दूर में रख दिया है, आप देख पा रहे हैं हमने बहुत दूर दूर में रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि इसका जो पोजीशन है वो सही है या नहीं है, फ्रंट में फ्रंट है या नहीं है, तो ये रहा हमारा फ्रंट। लेकिन देखिए अगर ग्रिड के ऊपर आपका फोटो आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपका फोटो गलत एंगल में है, ठीक है, ग्रिड ऊपर आना चाहिए फोटो के, समझे मेरी बात को, ग्रिड जो आपको दिखाई दे रहा है ना इस प्रकार से आना चाहिए, यहां पर ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अभी ये वाला जो है ना ये सही है, लेकिन वो वाला जो था वो गलत था, ओके, यहां पर देख लीजिए आप। अब जो है यहां पर एक परेशानी और है, ये इमेज अभी उल्टा है, ये जो है इस तरफ से होना चाहिए। सबसे पहले इस इमेज को हम सही करेंगे, सही करने के लिए यहां 90 है तो इसको -90 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा, ओके, घूम गया इधर, क्योंकि हम इधर से एडिटिंग करते हैं कोई भी चीज को, ओके। तो ग्रिड पे ये सही है लेकिन ये वाला गलत है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी सही करेंगे, अर्थात जो उस दिशा में है इसको हम इस दिशा में लाएंगे, ओके। हमने क्या किया,
इसको देखिए यहां पर लेकर आ गया, अब चेक करते हैं ग्रिड ऊपर आया या नहीं आया। देखिए ये ग्रिड ऊपर आ चुका है ना, अर्थात ये जो है सेट हो चुका है, ठीक है। ओके हमारा ये भी सेट हो चुका है। ओके दोस्तों, कई लोगों के माया में ये जो है ना, ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये इस तरफ होते हैं एडजस्ट, ठीक है। तो इस तरफ हम करते हैं, यहां हमारा गलत हो गया, देख लीजिए। ओके तो हमें क्या करना है, इस तरफ करना है, ठीक है। ओके आप सटा के रख सकते हैं या फिर दूर दूर में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह सटा के रखना ही है। ओके तो यहां तक हो गया। अब एक बार हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद सेव कर लेंगे, क्योंकि मैं इतना मेहनत का काम खोना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैंने सेव एसकेएम के ऊपर क्लिक किया, माय कंप्यूटर गया और एचपी के अंदर गया, और यहां से मैं किस में सेव करूं, तो जीजी के नाम से हम सेव करेंगे ना। ओके तो न्यू फोल्डर ही बना लेते हैं, न्यू फोल्डर बनाया, जी जी हुमैन, एच यू एम ए एन, ओके जी जी हुमैन के नाम से हमने सेव किया और ये फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अरे क्या हो गया जी, इसके ऊपर क्लिक किया, जी जी हुमैन, ओके ओपन, और इसका नाम रख देते हैं कुछ, जी जी, जी जी लिख दिया, ठीक है, जी जी लिख दिया, ओके यहाँ सेव कर दिया। ओके आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए, मैंने ऐसे ही सैंपल में कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ओके तो अब हमारा अगला काम है इसको मॉडलिंग, लेकिन 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 अभी हमें बहुत कुछ करना है, इसको चेक करना है कि हम मॉडलिंग करने से पहले अभी भी ये सही है या नहीं। हमने तो एक बार पेंट में चेक किया था, लेकिन हमें यहां भी चेक करना है। ओके दोस्तों, मॉडलिंग करने के खूब सारे तरीका है। तरीका नंबर एक, बॉक्स की मदद से आप मॉडलिंग कर सकते हैं। तरीका नंबर दो, आप इमेज प्लेन के मदद से पूरी पूरी इमेज को ट्रेस करके भी आप मॉडल कर सकते हैं। तरीका नंबर तीन, आप मॉडल के नाक आंख कान अलग अलग बना करके एक प्लेन के ऊपर ला करके मॉडल को बना सकते हैं। लेकिन सब में से जो बेस्ट तरीका है वो है इमेज को ट्रेस करना, क्योंकि अगर आप इमेज ट्रेस करते हैं ना, तो वो आपके इमेज से मिलता जुलता ही मॉडल बनते हैं। तो हाँ, एक बात है कि सबसे आसान मेथड है बॉक्स वाली, और उससे भी थोड़ी हार्ड मेथड है अलग अलग बना करके फिट करना, और सबसे हार्ड वाला जो काम है वही आज हम सीखने वाले हैं, जो कि माया के अंदर अच्छे अच्छे लोग ही इस पे काम कर पाते हैं। और हाँ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमसे जुड़िए, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं मैं अपने क्लास में। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप जल्दी से जल्दी क्लास कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि शंकर जी आपने क्या माया सिखाया है, ठीक है। तो चलिए यहां तक हो गया। ओके अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट सही है या नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे हम यूट्यूब से सीख लेंगे, तो सीख तो लोगे मुझे पता है, लेकिन क्रिएटिविटी कहां से लाओगे। ओके आप सीख सकते हैं, मैं खुद ही सिखाऊंगा, लेकिन क्या है कि बहुत ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा यूट्यूब के ऊपर। मैं तो क्लियर से बता भी देता हूं, आपको पता होगा कितना लोग तो घुमाता है, ठीक है। मैं घुमाने का काम नहीं करता, मैं डिक्लियर बताता हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, मैंने इसके इसके स्पेस बार का बटन क्लिक किया और ये हो चुका है। अब जो है सबसे पहले काम है इसको रेफरेंस इमेज में सेट करना, तो मैं दोनों को यहां पर सेलेक्ट कर लिया और यहां से एक न्यू लेयर बनाया, इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट किया, यहां से आर पे लाके छोड़ दिया। अब क्या हुआ, इधर उधर नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा इधर उधर। ओके ये हो चुका है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी भी हमें चेक करना है, कैसे चेक करना है, तो मैं चाहता हूं कि दोनों इमेज हमने सेट किया वो बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ग्रिड बंद कर देता हूं, यहां से मैंने ग्रिड बंद किया, इसको भी मैं ग्रिड बंद कर देता हूं, मैंने इसको भी ग्रिड बंद कर दिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं और मैं ये जो है ना, इसका आंख पे या फिर नाक पे कहीं पर भी कुछ चेक कर सकते हैं, तो मैं यहां पर प्लेन के ऊपर क्लिक कर किया, ठीक है। और यहां पर इसके नाक के एकदम सेंटर में देखिए, मैंने सेंटर में यहां पर कुछ डिजाइन किया, ठीक है, मैंने यहां पर ये वाला डिजाइन किया। ओके ये आ चुका है, सेंटर में है, इसको इसी प्रकार से हम आंख भी चेक करेंगे। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया, यहां पर आया, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर आना है, और यहां पर आने के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हम देखेंगे कि नाक पर एक्यूरेट है या नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो है, लेकिन हल्की सी ये ऊपर होनी चाहिए थी, अभी आपको पता नहीं चल रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, ठीक है। ये देखिए ये यहां पर है, लेकिन वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डाउन होता है नाक। ओके तो यहां पर देखिए, ये नाक के अकॉर्डिंग ये, अर्थात ये सही है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर एक चीज हमें प्रॉब्लम कर रही है, वो ये कर रही है कि ये जो है ना हमारा, इसका लाइन और इसका लाइन, दोनों को लाइन एक जैसा ही हो गया है। अब होगा क्या, जब हम इमेज ट्रेस करेंगे तो हमको ये दिखाई ही नहीं देगा। ओके अर्थात ये इमेज हमको लाइन दिखाई नहीं देगा, तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो ये उठ गया ना यहां पर।
तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, वायर मोड का ऑप्शन है, वायर मोड ऑन कर देंगे तो हमको दिखाई देने लगेगा। लेकिन आप जो इमेज लीजिएगा ध्यान रखिएगा कि इधर जो है ना ये इस टाइप से ब्लैक हो, ठीक है, दूसरा कोई कलर हो ताकि आपको ये लाइन दिखाई दे। ओके, सेटिंग में जाते हैं, वायर मोड को ऑन कर देते हैं, मैंने वायर फ्रॉम सेटिंग ऑन कर दिया, ठीक है, अभी भी ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या थोड़ा हम टेढ़ा करेंगे तो दिखाई देगा। ओके, तो ये था क्या हमारा, ये सही है, हमने चेक कर लिया है, नाक पे ही है। ओके, अब आंख पे भी चेक कर लेते हैं, तो मैं इसको खींच करके आंख पे ले आया, यहां पर आंख पे लाया, आंख के एकदम बीचों बीच में रखे हैं, और वहां पर भी देख लेते हैं आंख के बीच में आया या नहीं आया, साइड में आया, और यहां पर देखिए इसको आगे करना है हमें, तो यहां आंख के बीच में ये भी आ चुका है। फिर भी हल्के से हमारा मिसमैच तो है इमेज, क्योंकि हल्का यहां पर होना चाहिए था लेकिन वो वहां पर नहीं है। स्पेस बार दबाइए, एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए हल्का सा ऊपर नीचे तो ये इमेज है, कोई बात नहीं, हम इसको इतना पे भी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हर चीज हमको इमेज से थोड़ी करना है, हमको तो खुद भी क्रिएट करना है ना, ठीक है। तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुरुआत कोई भी चीज अगर कीजिए तो आप साइड से या फ्रंट से कीजिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले यहीं से ट्रेस करना चालू करूंगा। ओके, यहां से कर सकते हैं या फिर यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, कहीं से भी करता हूं, लेकिन हम करेंगे नाक से ही। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ओके, और यहां पर मैं ड्रैग कर लूं या फिर यहीं से चालू कर दूं, तो मैं यहीं चालू करता हूं, तो मैंने इस प्रकार से यहां पर किया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां से है ना इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा। टेढ़ा इसलिए करूंगा, टेढ़ा करने का नियम नहीं है दोस्तों, टेढ़ा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहां से टेढ़ा करूंगा इसलिए, और बीचों बीच लेना है क्योंकि हम इसको आधा ही मॉडल करेंगे, आधा हमको माया करके देगा, ठीक है। हल्का सा इसको हम टेढ़ा करेंगे, एकदम हल्का सा, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ रोटेट टूल पे आएंगे, और रोटेट टूल पे आने के बाद मैं हल्का सा इसको टेढ़ा करूंगा, एकदम हल्का, देखिए हल्का सा मैंने यहां पर टेढ़ा किया, ठीक है। ये टेढ़ा इसलिए किया ताकि हमें जो है ना साइड व्यू से दिखाई देने लगे ये चीज, क्योंकि हमने गलत क्या किया है, ओके, गलत हमने ये किया है कि हमारा जो इमेज है वो लाइन की कलर से ही ले लिया है, और मैं यहां तक फंस चुका हूं, अर्थात ये इमेज हमें नहीं लेना चाहिए था, कोई दूसरा इमेज लेना चाहिए था, या नहीं तो इसका कलर जो है वो बदल देना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए एक काम करके और चेक करते हैं इस इमेज की जो है कलरनेस चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देगी हमें मॉडलिंग में, ठीक है। ओके, तो लेकिन ये घुमा क्यों नहीं, तो एक बार हम चेक करेंगे, ये जो है इसको जीरो कर देते हैं, पहले से जीरो कर दिया, और इसको यहीं से घुमाते हैं, इसमें आया और हल्का सा इसको घुमाया, ठीक है, हल्का सा घुमाना है, तो ये मैंने घुमा लिया, ठीक है दोस्तों, मैंने घुमाया। अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, तो मैंने ऊपर ले लिया। ओके, ऊपर लेने के बाद मैं क्या करूंगा, अब इसको एडजस्टमेंट करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो पहला तरीका दिया है, काफी बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो तरीका गलत माना, उसको मैंने यूज नहीं किया, हल्का सा इसको कम कर लेते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ दिखना चाहिए, देखने के लिए ही, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, हम सिर्फ देखने के लिए किए हैं इस प्रकार से। ओके, तो हमने इस प्रकार से कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से चाहूं तो मैं इसका कलर चेंज कर लूं ताकि हमें ट्रेस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां से एक्सरे मोड चालू कर दीजिए, तो ये इस प्रकार हो जाएंगे, आपको खाली वायर दिखेंगे, देखिए वायर दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए यही काम कर लेते हैं, तो हमको इतना दिखे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ईज मोड में जाऊंगा, तो एक बार स्पेस बार दबाऊंगा और यहां पर आऊंगा, और यहां पर आने के बाद पहले इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहां तक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और यहां से ईज मोड में जाएंगे, राइट क्लिक, ओके सॉरी राइट क्लिक, और यहां से ईज मोड, और ऊपर वाले ईज को सेलेक्ट कर लेना है, मूव टूल में तो है ये, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हमें क्या करना है, स्पेस बार दबा देना और इसी व्यू में आ जाना है, ठीक है। आप यहां से ये चालू कर लीजिए ताकि आपको दिखाई दे। ओके, हमने इस प्रकार से कर लिया। उसके बाद आप चाहे तो यहां पर सेट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, इसको थोड़ा थोड़ा करके एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर लाया, कंट्रोल के साथ ई का बटन दबाना है, और इसको क्या करना है, हल्का सा ऊपर लेना है, और यहां से इस प्रकार से करना है, अर्थात ये नाक की बॉर्डर में आपको लेकर जाना है, कंट्रोल ई करना है बार बार, और इसको यहां पर लेकर जाना है। दोस्तों किसी भी मॉडलिंग में एक चीज और बहुत ही मायने होती है, वो मायने ये होती है कि आप कोई भी चीज करते हैं ना, उसको कम से कम पॉलीगॉन में रखने की कोशिश की जाए, अर्थात संभव नहीं है वो बात अलग है, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि कम से कम मॉडलिंग में वो मॉडल जो है वो बन पाए, ठीक है। ओके, कंट्रोल के साथ ई कर रहा हूं मैं, जिससे एक्सट्रूड हो रहा है और मैं आगे कर रहा हूं, हर स्टेप में मैं आगे कर करके इसको सेटिंग कर रहा हूं, ठीक है। फिर से मैं करूंगा कंट्रोल ई, कंट्रोल ई किया, आगे बढ़ा और इस लाइन के अकॉर्डिंग सेटिंग कर दिया, ठीक है। इमेज अगली साफ मिस मत करना, या इसका कलर अलग लेना, ठीक है। कंट्रोल ई ऊपर किया, साइड में लिया, ओके कंट्रोल ई, देखिए यहां पर थोड़ा सेटिंग ना लग रहा है, थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल ई फिर से ऊपर किया, इसको इस तरफ लाया, ओके कंट्रोल ई ऊपर किया, हल्का सा इधर लाया, कंट्रोल ई ऊपर किया, इसको यहां पर सेट कर लिया, कंट्रोल ई ऊपर किया, इसको भी यहां पर सॉरी कंट्रोल जेड कर दीजिए, फिर से वहीं आ जाएंगे, और इसको यहां पर सेट किया, ओके कंट्रोल ई,
इसको भी ऊपर सेट किया, कंट्रोल जेड, ओके मैंने यहां पर कर लिया, कंट्रोल ई ऊपर किया, कंट्रोल ई, ओके फिर से मैं ऊपर किया, हल्का सा साइड में ले लूंगा, बाकी तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल ई इसको मैं थोड़ा ऊपर करूंगा और यहां कर लूंगा, बाकी का काम बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैंने इतना तो कॉपी कर दिया, यहां तक आ गया है, अर्थात इसका टकला तक तो आ गया है, ठीक है, ओके। तो यहां तक हमने कर लिया, स्पेस बार दबाओ, एक बार मैं इस व्यू में आगे दिखाऊं तो आप देखिएगा कि ये जो है किस प्रकार से यहां पर हमने ट्रेस किया है, कहां तक किया, तो यहां तक कर लिया, ओके यहां तक बना लेते हैं, बाद में हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां भी इसका जो है बाकी का चीज भी बना ही लूंगा, क्योंकि हम इसको छोड़ेंगे क्यों पेंडिंग में, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ओके, और यहां से कंट्रोल ई किया, नीचे लेकर आया, ठीक है। नीचे लेने के बाद हम साइड व्यू आएंगे, क्योंकि हमको मोड़ना है, यहां से हम साइड व्यू आ चुके हैं, ओके। साइड व्यू आने के बाद हम यहां पर आ जाते हैं और यहां से मोड़ेंगे इसको, ठीक है, देख लीजिए आप, कंट्रोल साथ स्पेस बार दबा दीजिए तो यहां से जितना बड़ा हो जाएगा ताकि आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से आया और इसको कम करेंगे सबसे पहले, तो हमने इतना कम किया, ओहो देखिए गलत हुआ था यहां पर, कंट्रोल जेड करना है, ओके। तो मैंने इस प्रकार से किया, ईज मोड में आना है और यहां सेव तो नहीं हो सकता है वो वाला, तो स्पेस बार दबा के हमें ये इसमें आना पड़ेगा, इसके डब्ल्यू दबा देते हैं, ये सेव हो गया एक वाला, और एक बार नीचे करके देखें, ओके सही है, ठीक है, ओके। फिर से मैं इस व्यू में आऊंगा और यहां पर हम आ चुके हैं और यहां से इसको एडजस्टमेंट करेंगे, कोई भी गलती नहीं करना है आपको, गलती कीजिएगा तो ये जो है ट्रेस होने में बहुत दिक्कत होगी। कंट्रोल ई किया, नीचे आया, अभी सही है, ओके, कंट्रोल ई किया, थोड़ा सा नीचे आया, टेढ़ा किया, कंट्रोल ई किया, नीचे आया, टेढ़ा किया, कंट्रोल ई किया, नीचे आया, हल्का सा टेढ़ा किया, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ई किया, नीचे आया इतना, और इसको भी इस प्रकार से मैचिंग किया, कंट्रोल ई किया, नीचे आया, इस प्रकार सेटिंग किया इसको, कंट्रोल ई किया, नीचे किया, और हल्का सा अंदर ही ले लेते, कंट्रोल ई किया, नीचे अंदर की तरफ, थोड़ा और अंदर, कंट्रोल ई किया, नीचे आया, अंदर ले गया, कंट्रोल ई इधर किया, अंदर लेकर गया, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, इस प्रकार से कर दीजिए, फिर से कंट्रोल ई किया, अंदर लेकर आ गया, ठीक है, इस प्रकार से आया, फिर से कंट्रोल ई किया और यहां इस प्रकार ड्रैग किया, यहां से मोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, बाद में हम इसको यहां तक ले अगर आ जाएंगे, कंट्रोल ई किया, यहां से क्लिक किया, इसको नीचे लाया, थोड़ा और एडजस्टमेंट कर लीजिए, कंट्रोल ई किया, यहां पर लाया, नीचे लाया, कंट्रोल ई किया, यहां से किया, नीचे लाया, कंट्रोल ई किया, यहां से किया, नीचे लाया, कंट्रोल ई किया, यहां से किया, नीचे लाया, ठीक है। इसको वर्टेक्स मोड आने के बाद हम बाद में कर लेंगे, कंट्रोल ई किया, नीचे किया, यहां तक लाया, 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 कंट्रोल ई किया, नीचे किया, और यहां तक लाकर हमने छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हम फेस मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद हम बाकी मॉडलिंग करेंगे, ओके। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहां पर आके दिखाऊं आपको, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार से हमने अभी इसको ट्रेस कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये बहुत हार्ड मेथड है, सबसे भारी मेथड यही है, ओके। कंट्रोल के साथ एस कर देता हूं, सेव हो जाएंगे, स्पेस बार दबाऊंगा, यहां पर आकर मैं देखूंगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार से यहां पर बना है। तो अभी आप देख लीजिए, ये जो है हमने बनाया है वो यहां पर इस प्रकार से यहां पर बना है, ठीक है, ओके। स्पेस बार दबाया और यहां से इसी व्यू में आ गया, फ्रंट में। फ्रंट में आने के बाद अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन ये है कि हमने पॉलीगॉन्स तो बहुत ज्यादा क्रिएट कर लिए, क्या कुछ कम पॉलीगॉन्स में ऐसे नहीं बन सकते थे, ओके। चलिए रहने देते हैं पॉलीगॉन्स, कोई बात नहीं, ज्यादा पॉलीगॉन्स के ऊपर खेलेंगे तो थोड़ा हमें हार्ड तो पड़ेगा, लेकिन क्या है कि मजा भी आएगा, क्योंकि जहां हार्ड होती है वहीं मजा आती है। डब्ल्यू किया, कंट्रोल के साथ ई किया, ओके, आप चाहे तो ऊपर वाले भी कर सकते थे, तो मैंने यहां पर किया, ठीक है, हमको ऊपर वाला करना चाहिए, कंट्रोल जेड कर देता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ओके, और ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं कंट्रोल ई, ठीक है, कंट्रोल ई किया और यहां से लेकर आ गया, जितना बढ़िया आंख चाहिए हमें यहां तक हमने लेकर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें एक नीचे भी चाहिए, क्योंकि आंख की हम एकदम बढ़िया तरीके से ट्रेसिंग करने वाले हैं, ठीक है,
आप चाहे तो डबल इधर मोड कर सकते हैं चालू, हम बाद में बताएंगे। तो ये हो गया। अब हमारा जो अगला काम है कंट्रोल साथ स्पेस बार दबाना, और यहां से हमारे पास ये इंसर्ट एज लूप टूल है, मैं इसकी मदद से कुछ एज जो है मैं ऐड करूंगा इसमें, एक दो तीन चार, चार हमने कर लिया, किसी भी टूल पे क्लिक कर दिया, और यहां से मैं आ जाऊंगा वर्टेक्स मोड में, वर्टेक्स में आ गए। अब मैं इसको एडजस्टमेंट करूंगा, मैंने सेलेक्ट किया इसको, आंख के अकॉर्डिंग हम सेट करने की कोशिश करेंगे इसको, तो ये हमारा ऊपर वाला है क्योंकि नीचे वाला है नहीं, तो मैं इसको ऊपर के अनुसार सेटिंग करूंगा। यहां पर सेलेक्ट सेटिंग सेलेक्ट, ये ऊपर वाला डिम्मी के अनुसार, ये ऊपर वाला जो है ना इसके अनुसार मैं सेटिंग कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको अभी बिल्कुल वो दिमाग नहीं लगाना है, नीचे वाला हम बाद में क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से किया है। अब थोड़ा हम साइड व्यू में जाने के बाद भी इसको एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं, क्योंकि साइड व्यू में पता नहीं बंगाल गया होगा, कहाँ गया होगा ये, ठीक है। तो ये हम आ गए हैं साइड व्यू में, साइड व्यू से हम देखना है, मैं आंख के ऊपर जो हमने किया है, अभी आप ध्यान से देखिए कि हमने जो किया ड्राइंग वो कहां पर चला गया, स्पेस बार दबाया। अब इनको हमें आंख के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब जो है ना मेन जो टॉपिक है दोस्तों वो यही है, यही से लोग फंसते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है यहां से चालू करते हैं, मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, यहां पर आया। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, ये हमारा कहां का था, तो यहां का हिस्सा था, तो मैं इसको पकड़ूंगा और डायरेक्टली यहीं पर लेकर आ जाऊंगा जहां का हमारा हिस्सा था। आपको मैनुअली ये वाला सोचना है, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं यहां पर लेकर आ जाऊंगा। ये इसके अकॉर्डिंग हम इसके नीचे नीचे लिया था, आपको याद होगा, और इसको दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर लाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप वाला कॉल, व्हाट्सएप पे कॉल करके आप हमारी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं वहां एकदम जीरो जीरो समझाता हूँ, यहां पर मैं क्या बताऊं यार, ठीक है। तो मैं यहां से एडजस्ट किया, और इसी प्रकार से दो पॉइंट और है हमारे, क्या देख लेते हैं दो पॉइंट है या नहीं है। ये पॉइंट हमारा नहीं है, कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से किया। एक बार मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा कि हमने जो क्रिएट किया है वो हमने सही डायरेक्शन में किया है या नहीं किया है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहां से कोई फर्क नहीं आई, जैसे हमने किया था वैसा ही है, अर्थात सही है। यहां से मैं इस व्यू में भी आऊंगा, प्रोस्पेक्टिव व्यू में भी आके देखूंगा कि ये हल्का सा टेढ़ा हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखिए हल्का सा ये टेढ़ा हो गया है, लेकिन हाँ आंख ऐसे ही होते हैं इसलिए शायद ऐसे टेढ़े है, ठीक है। हल्का फल्का देखिए, थोड़ा सा मिसमैच भी है यहाँ पर, कोई ज्यादा ऊपर है कोई कम ऊपर है, कोई बात नहीं। स्पेस बार दबाते हैं, यहाँ आते हैं और यहां से हम देख लेते हैं क्या है इसका भाई माजरा। तो इसका माजरा ये है कि एक्यूरेट सेट ही है, हल्का सा नीचे कर लेते हैं इसको, इसको मैंने नीचे किया और हल्का सा इसको नीचे किया, ठीक है। और ये तो सही लग रहा है, बेचारा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ऊपर से कर दिया, ठीक। हम इसी प्रकार से नीचे से करेंगे, ईज मोड में जाएंगे और एक ईज को फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा ईज करें, ये वाला कर ले, चलिए ये वाला नहीं करना हमको, बीच में दूसरा लेना है। मैंने ये ईज सेलेक्ट किया, देखिए फिर से क्लिक कंट्रोल साथ ई और इसे खींच करके मैं यहां तक लेकर आ गया हूं। और जो काम हमने ऊपर वाले में किए थे सेम यही काम हम नीचे वाले में भी कर देंगे, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कर लिया, कंट्रोल साथ स्पेस पर दबाया और यहां से इस व्यू पे आ गया, और यहां से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, एक राम अधीन तीन चार पांच। ऊपर वाले में तीन ही, चार ही था, नीचे वाले में पांच हो गया, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, होता है ऐसा। वर्टेक्स और यहां सेलेक्ट किया, कहां पर जाना है, यहां साइड में क्लिक किया और यहां साइड व्यू में आ जाना है, क्योंकि यही हमको सेटिंग करना है ना। देखिए अभी साइड व्यू में कैसा कीचड़ हो चुका है, ठीक है। क्लिक किया और ध्यान रखना है, ये भी हल्का सा मैंने नीचे लिया था, ठीक है। पहले इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में करते हैं काम। मैंने यहां पर लिया, दो लास्ट वाले पॉइंट को सेलेक्ट करना है और यहां से मैं ड्रैग करके इसको यहां पर सेट कर लेता हूं, ठीक है। थोड़े बहुत यहां से एडजस्टमेंट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका है एक सिस्टम तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर इसको ड्रैग करके लेकर आ गया, फिर से मैं सेलेक्ट किया यहां से और फिर से मैं इसको ड्रैग करके यहां तक लेकर आ गया, ठीक है दोस्तों, लाइव क्लास भूलना मत। फिर से सेलेक्ट किया, यहां पर आ गया, फिर से सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके यहां पर लेकर आ गया। कितना लाइन, एक दो तीन चार पांच, ऐसा लगता है कि हमने सारा लाइन कर लिया कि एक लाइन बाकी है, करके देखें तो ये लाइन नहीं था, वही था। हमने सारे लाइन को सेलेक्ट कर लिया है और यहां से कुछ ये लाइन हमको लगता है नीचे जाना चाहिए था थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया जाए। शिफ्ट का बटन दबा दोनों सेलेक्ट किया और हल्का सा नीचे, इसको भी थोड़ा सा नीचे करना चाहिए हमें, नीचे किया, इसको भी हल्का कर लेते हैं, मैंने इसको भी नीचे किया। और तू क्यों बचेगा भाई, तू भी हो ही जा, और बेचारे तू लास्ट वाला क्या करेगा, तू भी हो जा थोड़ा सा। तो मैंने इस प्रकार से कर लिया, फिर से हम करेंगे फ्रंट व्यू में जाके देखेंगे कि यार भाई खिचड़ी इसका क्या बना है। तो यहाँ पर तो एक्यूरेट है भाई, कोई चेंज नहीं आया, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे करेंगे इसको, क्योंकि हमारा जो ऊपर का अकॉर्डिंग था उसी अनुसार हम इसको ले रहे थे ना, तो हम नीचे करेंगे, साइड से सेट है ही, साइड से कोई दिक्कत ही आएगा नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ऊपर के लिए हम यहां से एक रखे हैं और एक यहां से रखे हैं, आपको पता होगा कि हमने वो क्यों रखे हैं। ठीक है, एक एक चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से देखना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, और नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, 1000 तरीका है एक चीज को करने का। ठीक है, ओके, देख लीजिए आप, ऊपर और नीचे हमने क्या किया, इस प्रकार से कर दिया है। दोस्तों किसी भी मॉडल में आंख नाक कान को ही बनाना बहुत ही मुश्किल भरी चीज है, बाकी तो आपका ब्रिज टूल बना देगा, ये वाला जो टूल है ना ये सारे सारे बना देंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ एस करूंगा, इसको सेव करूंगा, स्पेस बार दबाऊंगा, प्रोस्पेक्टिव में जाके चेक करूंगा कि हमने क्या किया है। तो यहां पर देखिए हमने कुछ गलत भी किया है, कुछ सही भी किया है। तो यहां देखिए दोनों का दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, अर्थात ऊपर वाले कुछ अलग बता रहे हैं, नीचे वाले कुछ अलग बता रहे हैं, और लास्ट वाले भैया तो गजब ही कर दिया, तो इसको यहां से भी हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर से। तो ये देखिए ये कुछ ज्यादा अंदर चला गया, ये कुछ इधर आना चाहिए था, ये कुछ नीचे आना चाहिए था। ठीक है, साइड व्यू में जाते हैं एक बार, साइड व्यू में फिर से चेक करेंगे। साइड व्यू में आया और यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ सेटिंग किया, देखिए ये नीचे आ गया, ऐसा किया, इसको भी यहाँ लाया, और तू क्यों है भाई, इसको इधर लाया, इसको यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है, स्पेस बार दबाया, फिर से आया इसमें, फिर से चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आए हैं, लास्ट वाला पॉइंट हमारा एकदम गलत है, तो इधर ऐसा बता रहा है, फिर वहां पर ऐसा क्यों हो जा रहा है भैया। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको बारी बारी से, ये सबको ही एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जो बड़े क्रिएटर है जो बहुत पावरफुल है उनको नहीं करना पड़ता है। जब तक आप 4, 5, 10 मॉडल नहीं बनाइएगा तब तक तो ये समस्या तो आपको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये सेटिंग वाले करने वाले जो है चारों व्यू से, अर्थात चारों व्यू से ही आपको सेटिंग करना पड़ेगा, 3 व्यू तो करना ही पड़ेगा, 4 ना करो तो। ओके, तो मैंने इस प्रकार से बना लिया, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करते हैं हम, और तो मैंने इसके ऊपर आया और यहां से इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा ले लेते हैं। ओके, कंट्रोल के साथ ई कर लेते हैं, एक स्टेप हम कंट्रोल जेड, देखिए वर्टेक्स में कंट्रोल साथ ईज मत कीजिएगा, ईज मोड में ही कीजिए कंट्रोल ई, तभी ये होंगे। ठीक है, इस टूल से आया, ड्रैग किया, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, टूल भाग गया, तो और यहां से इसको मैंने यहां तक लेकर आ गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं साइड व्यू में, देखिए साइड व्यू में क्या है, खिचड़ी बन गया क्योंकि हमने अलग व्यू से काम कर लिया। ठीक है, और ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया यहाँ पर, ओके, और बाकी का काम हम बाद में करेंगे। ठीक है, स्पेस बार दबाया, साइड व्यू में आया, साइड व्यू में आके देखते हैं हमने क्या किया है। तो यहाँ पर ये वाला है तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट भी कुछ इसी प्रकार से टेढ़े हैं, इसलिए हमारे जो है यहाँ पर टेढ़े बने हैं। ठीक है, वर्टेक्स में गया क्योंकि हम साइड से मैच कर रहे हैं तो हल्का सा प्रॉब्लम तो किया है इसने। ओके, तो यहाँ से मैं इसको खिलाया, ये सही है। ठीक है, और यहाँ से मैं और भी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इसको, तो एडजस्टमेंट किया। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से किया है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आया है ये, तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्रिएट किया तो ये जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन गया है, लेकिन ये जो है हल्की सी टेढ़ी दिखाई दे रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, अर्थात हमने जो आदमी कैरेक्टर लिया है वो इसी प्रकार से है, इसीलिए यहाँ पर है। क्या यहाँ पर अगर ध्यान से मिलाइएगा तो हल्का ऊपर ये है और हल्का नीचे ये है। ठीक है, स्पेस बार दबाया, उसके बाद आगे काम हम चालू करते हैं, तो अगला काम भी उसी प्रकार से है, चाहे तो आप इसी सभी को एक्सट्रूड करके भी सेटिंग कर सकते हैं, या नहीं तो इसी प्रकार से आगे लीजिए, सभी पॉइंट को ज्वाइंट कर दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। ऊपर वाले के लीजिए तो भी चले, नीचे वाले के ले लीजिए तो भी चले, हम नीचे वाले के लेकर करते हैं क्योंकि हम हार्ड काम करने वाले हैं, आसान काम करेंगे नहीं। कंट्रोल ई किया, ठीक है, आगे बढ़ा लिया, जितना बड़ा वो था वही काम कर लिया, इसको भी कर ही लेते हैं, एक साथ कर लें क्या, तो एक साथ करना है तो एक साथ कर लेते हैं, वर्टेक्स ऐड कर देंगे दोनों एक साथ हो जाएगा, लेकिन एक साथ हमें करना नहीं है। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया, किसी भी मोड में आ गया और यहां से मैं लाइन को क्रिएट कर लूंगा, जितना ऊपर वाले में उतना ही करूंगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाला 6। ठीक है, क्लिक किया, वर्टेक्स में आया। ठीक है, वर्टेक्स में आने के बाद दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद स्पेस बार दबाया, साइड व्यू में आ गया क्योंकि साइड में तो ये बंगाल में चला गया। ठीक है, तो यहां पर लाया, यहां पर लाने के बाद फिर से दो साइड को क्लिक किया, साइड को क्लिक करने के बाद मैं यहां पर लाया। ओके, फिर से इन दोनों को क्लिक किया, फिर से मैं यहां पर इसको यहां पर लाया, बाकी हम एडजस्टमेंट करेंगे। स्पेस बार का दोनों का सेलेक्ट किया, यहां पर लाया, फिर से दोनों को सेलेक्ट किया, फिर से यहां पर लाया, फिर से दोनों को सेलेक्ट किया और दोनों को यहां पर लाया, अब तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली साइड व्यू में जाऊंगा, सॉरी फ्रंट व्यू में जाऊंगा, फ्रंट व्यू में आ चुके हम, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा दूंगा। अब हमारा मेन चीज स्टार्ट है, यहां से करना क्या है, इस आंख के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है, जरूरत पड़े तो एक लाइन और क्रिएट करेंगे, लेकिन हमको आंख के अकॉर्डिंग ही इसको सेट करना है। तो मैंने इसको ऊपर लिया,
इसको यहाँ पर लाया, ठीक है, यहाँ पर लाया थोड़ा अंदर बाहर करके, और इसको भी मैं यहाँ पर लेकर आ गया। अर्थात हम आँख का जो है शेप देना चालू कर दिए हैं, ठीक है। बाद में हम यहाँ से ईज वगैरह वगैरह ऐड कर लेंगे, जितना हमको ज़रूरत पड़ेगी उतना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमने कर लिया यहाँ तक इस प्रकार से, ठीक है। देखिए आँख का शेप में हम बदल रहे हैं, लमसम लमसम ये आँख में बदल चुका है। यही काम हम नीचे से करेंगे, ओके। तो नीचे से करने के लिए फिर से ईज मोड में जाएंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल साथ ई किया, और इसको भी ड्रैग करके यहां तक लेकर आ गया, ओके। और यहां तक लाने के बाद हम क्या करेंगे, ईज को इसमें भी कनेक्ट करेंगे। उसके लिए कंट्रोल साथ एस एस बार दबाया, किसी भी टूल पे आ गया, ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आया, और यहां से इस प्रकार से आया, मैंने इंसर्ट एज लूप टूल लिया, और उसी लाइन जितना उसमें था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना लाइन लेना। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स मोड में गया, दोनों लास्ट वाला सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने दोनों लास्ट वाले शिफ्ट का बटन दबा सेलेक्ट किया, यहां पर इस प्रकार से आ गया, साइड व्यू में आया, और साइड व्यू में तो कीचर हो ही गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ करके यहीं पर लाया, उन सभी पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे। तो इसीलिए तो मैं बोला आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए ना, उसके बाद देखिए मैं क्या क्या बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, बाकी काम फ्रंट व्यूज करेंगे, दोनों को सेलेक्ट किया, और यहां से मैं इसके ऊपर लाया, फिर से दोनों को सेलेक्ट करूंगा, ओके, मैं फिर से यहां पर लाया, फिर से मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा। दोस्तों ये तरीका एक ही नहीं है, बहुत तरीका है आपको। मैं अगर लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो कैरेक्टर का मॉडलिंग के जो हेड मॉडलिंग है उसका 5 तरीका मैं बताऊंगा आपको, पांचों में से कोई ना कोई एक आपको पसंद आ ही जाएगा। जरूरत नहीं है, आपको बनाना है कैरेक्टर, अब क्या यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करना है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो है कैरेक्टर को ही बनाना, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको यहां पर लाया, और इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइंट करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ज्वाइंट ना करके इसके ऊपर जो है डायरेक्टली, बहुत चीज है, तो चलिए मैं बताता हूँ बारी बारी से। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करना है हमें, तो ज्वाइंट करना भी मैं बताऊंगा, हल्का सा बाहर रख दे ताकि हमें पता चले कि सबको ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो यहां पर लाया और इसको मैं देखिए, आप पहले ध्यान से देखिए कि है क्या। तो देखिए ये जो है ना आंख हल्का सा इस प्रकार से गया, तो मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा, तेरा मेरा कर रहा हूं यहां से, ठीक है। ये सब आपको आपको एडजस्ट करना मैं बताऊंगा बढ़िया तरीके से, ओके। आपको एक चीज और दिमाग में रखना है कि हमने कहां कहां पॉइंट क्रिएट किया है, क्योंकि पॉइंट को हमें ज्वाइंट भी करना है, ऐसा नहीं है कि हमको पॉइंट ज्वाइंट नहीं करना है, हमें पॉइंट को ज्वाइंट भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये चीज तो हो गया, यहां से हम ये भी ले आए, अब हम जो है हम पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हमने पॉइंट ज्वाइंट नहीं किया तो बाद में हम भूल जाएंगे कि हमारा पॉइंट था कहां पर। तो ये हमने आंख की शेप बना ली, एक बार स्पेस बार दबा के हम इस व्यू में आके देखेंगे कि हमने जो शेप बनाया है वो किस प्रकार से बनाया है। तो अभी आप देख पाइएगा कि यहां जो है शेप हमारा एक्यूरेट बना है, और ये आंख के शेप में बदल भी गया है। काम अगला, ज्वाइंट करना सभी पॉइंट को, स्पेस बार दबाया और एक एक पॉइंट को हम ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि एक साथ में सब कर दिया तो आप बोलोगे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए ज्वाइंट करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि सारे पॉइंट जो है ना अलग अलग प्रकार से है, एक बार मैं सबको क्लिक करके देखता हूं क्या ज्वाइंट होता है। मैंने सबको सेलेक्ट किया और यहां से इसके ऊपर क्लिक किया, ओहो, अब देख लेते हैं एक बार चेक करके, ज्वाइंट तो कर दिया लेकिन क्या किया है वो हमको देखना पड़ेगा। तो मैंने इस टूल के ऊपर आया और यहां देखिए कुछ नहीं ज्वाइंट कर पाया है, ठीक है। कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है, स्पेस बार दबाएं एक बार देख लें, तो यहां पर ये आया, ठीक है, ओके। मैंने इसको ये चेक किया था, मैंने ज्वाइंट होता है कि नहीं होता है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहां से इसको लेकर आ गया, ठीक है। अब ज्वाइंट करते हैं, तो ज्वाइंट यहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, यहीं से करते देखेंगे। दोनों को मैं शिफ्ट का बटन दबा करके क्लिक किया और यहां से आपको ये वाला बटन मिल जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके रखिए, यहां लिखा जाएगा मर्ज वर्टेक्स, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। अब ये दोनों दो नहीं रहे, एक हो गए। इस दोनों को सेलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हमको क्लिक कर करके सभी को ज्वाइंट करना है, इन दोनों को सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया, ओके। उसके बाद ये वाला देख लीजिए आपको कहां ज्वाइन करना है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, यहां पर आ जाइए और देखिए ये वाला क्या है, ये भी वर्टेक्स ही है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए एक बार में। दोनों को सेलेक्ट कर लिया, मर्ज वर्टेक्स, ये भी ज्वाइन हो गए। दोनों को सेलेक्ट किया, मर्ज वर्टेक्स, ये भी ज्वाइन हो गए हैं। दोनों को सेलेक्ट किया, मर्ज वर्टेक्स, दोनों को सेलेक्ट किया, मर्ज वर्टेक्स। बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा लाइव क्लास में। दोनों को ज्वाइन किया, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किया, क्योंकि माया है यार, ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, इतना छोटा नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। सेलेक्ट किया, मर्ज वर्टेक्स, सेलेक्ट किया, मर्ज वर्टेक्स, सेलेक्ट किया, मर्ज वर्टेक्स, ओके, सेलेक्ट किया, मर्ज वर्टेक्स। ये तो मर्ज है क्या,
मर्ज वर्टेक्स, ये नहीं थे मर्ज, ये दोनों नहीं है मर्ज वर्टेक्स। अब कोई कुछ बचा है क्या दोस्तों? ठीक है ओके, मैंने इतना कर लिया। इतना करने के बाद एक बार मैं क्या करूंगा, स्पेस बार जाऊंगा, ऑब्जेक्ट मोड में गया और एक बार थ्री करके देखूं तो इसका रिजल्ट क्या है। ओके अभी देखिए, ये जो है कैरेक्टर का कुछ इस शेप में बदल चुका है, जो कि हमारा ट्रेसिंग देखा जाए तो ट्रेसिंग भी एक्यूरेट ही है। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे दाएं बाएं आंख की कटिंग नाक की कटिंग वो सब कुछ हम करेंगे, वन दबा देते हैं। यहां पर हमने क्या किया, वन दबा दिया। अब जो हमारा काम है वो ये है कि इसी को डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, अर्थात इधर काम करे और इधर ऑटोमेटिक हो जाए। मेरी बात समझिए, मैं आप दो तरफ नहीं काम करना चाहता, मैं एक तरफ काम करूंगा और इधर का ऑटोमेटिक बनता हुआ चला जाए। ठीक है, आप वो काम अभी भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी कर लेना इसलिए सही है क्योंकि हमको पता चले कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरा साइड में बराबर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए एडिट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्पेशल ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां से इंस्टेंट है और ये सब तो बराबर है, माइनस वन, आप इधर भी माइनस वन होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अप्लाई कर देता हूं। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये जो है इस प्रकार से आ चुके हैं। इधर डब्ल्यू का बटन दबाकर मैं इसको सेट करूंगा क्योंकि ये जो है अलग सेट बराबर हुआ नहीं। ओके, तो अभी आप देख लीजिएगा कि लमसम लमसम सेट बराबर है। अब देखिए हल्का सा ये डाउन अभी खाली है तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लेकर आ जाऊं। ओके, तो दोनों जो है हो चुका है, यहां सेटिंग में जाना है और यहां से वायर मोड को ऑन कर देना है, तो हमको दिखाई देने लगेगा दोनों तरफ क्या है। अब दोनों तरफ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, एक साइड आप जैसे ही बनाइएगा तो दोनों तरफ जो है ऑटोमेटिक ही वो होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं हमने जो है बना लिया है। एक बार मैं क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, सॉरी राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, एक को कीजिएगा दोनों ही हो जाएगा। देख, इसको मैंने क्लिक किया और थ्री कर दिया। ठीक है ओके, सेटिंग मोड हटा के देखा जाए एक बार, सेटिंग मोड हटा दिया, स्पेस बार दबाया, प्रोस्पेक्टिव में आया। ओहो देख लीजिए आप, अब आप बोलिएगा कि आगे का मॉडलिंग हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये मेथड थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन हथौड़े की काम करेगा, ये सोनार का हथौड़ा नहीं है, ये लोहार का हथौड़ा है। दोस्तों अगली वीडियो भी आप कंप्लीट देखिए, इससे आगे हम अगली वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कर लिया, सेव कर लिया इसे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है।